फ्रेंड्स, आज हम छठी क्लास की फर्स्ट पोएम वह चिड़िया जो, उसका दूसरा पैरा करेंगे। देखिए, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। कंठ होता है बेटे गला, रस उड़ेल कर होता है बेटे मधुर स्वर, पंख होते हैं पर, और विजन होता है जंगल। इसकी पर इसका प्रसंग क्या होगा बेटे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वह चिड़िया जो नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। कवि ने इसमें चिड़िया की रुचि या इच्छा के बारे में बताया है। इसकी व्याख्या है बेटे, कवि कहता है कि चिड़िया अपने बारे में बताती है कि मुझे जंगल के खुले वातावरण में रहना बहुत अच्छा लगता है, और वह जंगल में रहकर अपने मधुर स्वर से वन बाबा को खुश करने के लिए गीत गाती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, वह चिड़िया छोटी है जो अपनी आवाज़ से सबके मन को मोह लेती है और सबके साथ अपना संबंध बना लेती है, वह नीले पंखों वाली चिड़िया है, और उस चिड़िया को जंगल से बहुत प्यार है। इसका विशेष क्या होगा बेटे कि चिड़िया का जंगल के प्रति प्रेम दिखाया गया है इसमें। इसकी भाषा बेटे सरल है।